जो तो बात करते हैं अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में लगातार जो है पॉजिटिविटी हमें स्टॉक्स के अंदर दिखाई दे रही है और आज स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को लगभग कह सकते हैं कि सात रुपये ऊपर ये स्टॉक्स हम लोगों को मूव करता हुआ नजर आया देखिए कल की क्लोजिंग लगभग नौ सौ इक्यासी रुपये की थी वहाँ से अच्छा खासा ये स्टॉक्स हम लोग को ओपन होता हुआ नजर आया था एक के लेवल के आसपास ओपन हुआ था और लगभग एक के लेवल इस कंपनी के अंदर आज के दिन देखने को मिले तो मूवमेंट के हिसाब से तो काफ़ी ठीक ठाक रहा है आज का दिन अच्छी खासी वैल्यू आपको इसके अंदर देखने को मिल चुकी है तो क्या स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए देखिए आप अगर पिछले छः महीने का चार्ट पैटर्न उठाकर देखेंगे तब भी आपको इसके अंदर तेजी दिखाई दे रही है दो सौ के आसपास ये स्टॉक्स हुआ करता था वहाँ से मल्टी रिटर्न देखने को मिल चुके हैं लगभग दो से ज़्यादा के पॉजिटिव रिटर्न इसके अंदर बनते हुए नजर आए हैं एक साल की बात करें तो अच्छा खासा मूवमेंट आपको एक साल में भी देखने को मिल चुका है लगभग छः परसेंट से भी ज़्यादा के रिटर्न इसके अंदर आपको एक साल के दौरान देखने को मिल चुके हैं तो कहने का मतलब ये कि कंपनी ने एक साल में कम से कम आपका पैसा सात गुना जो है कर दिया है तो देखिए सात गुना कंपनी कोई जो है पैसा आपका करती हुई नजर आ रही है तो क्या हम लोगों को इसके अंदर निवेश करना चाहिए क्योंकि क्या है कि देखिए बिना चार्ट पैटर्न हमने देख लिया है चार्ट पैटर्न तो बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है बट बिना हम लोगों को उसके कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं बिना देखे जो है हमें ब्लाइंडली जो है किसी भी कंपनी के अंदर निवेश नहीं करना चाहिए फिलहाल में तो मोमेंट हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहा है देखिए एक साल नहीं लगातार जो है अच्छा खासा मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर देखने को मिला है पिछले पाँच साल की अगर मैं बात करूँ तो सेवेंटी सिक्स के आसपास ये स्टॉक्स हुआ करता था दो के अंदर वहाँ से लगातार जो है तेजी का मोमेंटम कंपनी के अंदर हम लोगों को दिखाई दे रहा है और लगभग बारह के पॉजिटिव रिटर्न जो है इसके अंदर बनते हुए नजर आए तो कहने का मतलब ये है कि अब तक जो कुछ भी कहानी हमें अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर देखने को मिल रही है मल्टी रिटर्न हमारे इसके अंदर बन चुके हैं तो क्या हमें इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये सबसे बड़ा सवाल हम लोगों के सामने अक्सर खड़ा हो जाता है बट आपको इससे पहले लॉन्ग टर्म का चार्ट ज़रूर देख लेना चाहिए देखिए लॉन्ग टर्म के अंदर जिस तरीके के लेवल हमें कंपनी के अंदर दिखाई दिए हैं तो लगभग सात सौ चौरानवे रुपये से भी ऊपर के लेवल हमें कंपनी के अंदर दिखाई दिए थे 22 मई 2015 को उसके बाद लगातार गिरावट हमें कंपनी के अंदर दिखाई दी है चौहत्तर रुपये के आसपास ये स्टॉक्स आपको जाता हुआ दिखाई दिया और वहाँ से अब तक देखें तो अच्छी खासी रैली हमें स्टॉक्स के अंदर बनती हुई नजर आई है तो देखिए पाँच साल के दौरान तो काफ़ी तेज़ी हमें स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल चुकी है बट अगर देखें तो फिलहाल में जो है काफ़ी सारे खबरें भी जो है इसके अंदर हम लोगों को दिखाई दे रही हैं जिसकी वजह से अच्छा खासा मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर अब तक देखने को मिल है। आज भी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है और उस बड़ी खबर का बड़ा इफेक्ट हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के आ रही है और अदानी एंटरप्राइजेस ने कॉपर के कारोबार में प्रवेश कर लिया है देखिए मैं बात कर रहा हूँ एक कंपनी है केसीएल तो केसीएल जो कंपनी है ये कॉपर का कारोबार करती है और अदानी एंटरप्राइजेस ने कॉपर के कारोबार को बढ़ाने के लिए के के साथ में एक बड़ी साझेदारी करती हुई नज़र आ रही है तो कहने का मतलब ये है कि इस स्टॉक्स के अंदर भी हम लोगों को कुछ दिनों के लिए अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दे सकता है देखिए मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कोई भी कंपनी के अंदर हम लोगों को खबर दिखाई देती है तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई देता है बट इससे पहले हमें इस जो है न्यूज़ का टाइम देख लेना चाहिए तो लगभग बाज़ार बंद होने से ये पहले हम लोगों को खबर दिखाई दे रही थी लगभग दो बज के अट्ठावन मिनट पर एक खबर आई थी बाज़ार बंद नहीं हुआ था बट स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को उस तरीके का मोमेंट नहीं दिखाई दिया कहने का मतलब ये है कि इस असर का जो है न्यूज़ का जो असर था वो इतना स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को दिखाई नहीं दिया तो क्या आगे आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिलेगा तो ये सारी चीज़ें सोचने वाली थी क्योंकि क्या है कोई भी खबर आई तो काफ़ी सारे लोग जो है उसके अंदर खरीदारी करने के बारे में सोचते हैं या तो सेम डे आपको स्टॉक्स के अंदर तेज़ी देखने को मिलती है या फिर हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद आपको उसके अंदर तेज़ी देखने को मिले क्योंकि कोई भी कंपनी अगर कारोबार को बढ़ा रही है तो आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको बिजनेस के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दे सकता है तो इस वक्त कह सकते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया खबर निकल के आ रही है बट अगर स्टॉक्स के लिहाज से समझने की कोशिश करें तो उस तरीके की, की रैली हमें कंपनी के अंदर दिखाई नहीं दिया इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या हमें कंपनी के अंदर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हमें सारे पैरामीटर्स फुलफिल करने चाहे वो फंडामेंटल से रिलेटेड हो चाहे वो शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड हो सारी चीज़ें ही आपको सही तरीके से देखने के बाद तभी कंपनी के अंदर एंट्री करनी चाहिए तो सबसे पहले अगर कंपनी के बारे में देखने की कोशिश करें तो कंपनी के अंदर जो हम लोगों को हलचल इस समय दिखाई दे रही है तो उसके बैकग्राउंड को चेक कर लेते हैं देखिए कंपनी के रेवेन्यू को सबसे पहले देख लेते हैं तो लगभग जून 2020 से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार जो है हम लोगों को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कहने का मतलब ये कि हर क्वार्टर में लगातार इसके अंदर हम लोगों को अब तक तेज़ी देखने को मिली है तो यहाँ से हम लोगों को पॉजिटिव संकेत दिखाई दे रहे हैं दूसरी बात यह है कि अभी जो हाल फिलहाल में कंपनी के नतीजे डिक्लेयर हुए थे तो लगभग सेल की अगर मैं बात करूँ तो ग्यारह करोड़ रुपये के आसपास निकल के आ रही है जो कि पिछले क्वार्टर में आपको दिखाई दे रही थी लगभग नौ करोड़ के आसपास इससे पहले देखें तो लगभग पाँच हज़ार दो सौ पैंसठ करोड़ के आसपास दिखाई दे रही थी तो कहने का मतलब ये कि पिछले तीन क्वार्टर से लगातार सेल्स के अंदर हम लोगों को प्रोग्रेस देखने को मिल रही है बट इससे पहले अच्छा खासा मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर दिखाई दे रहा था तेरह हज़ार चार सौ अट्ठाईस करोड़ के आसपास सेल्स हम लोगों को दिखाई दे रही थी तो वहाँ से हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है बट ओवरऑल समझ सकते हैं कि पिछले तीन क्वार्टर बहुत ही बेहतरीन रहे हैं कंपनी के लिहाज से अगर देखें तो अच्छा खासा मोमेंटम कंपनी के बिजनेस में हम लोगों को दिखाई दे रहा है अब अगर देखें तो टोटल इनकम भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है पिछले क्वार्टर से अगर अब के क्वार्टर की तुलना करें तो लगभग ग्यारह हज़ार सात सौ सतासी करोड़ रुपए के आसपास हो चुकी है जो कि पिछले क्वार्टर में आपको दिखाई दे रही थी नौ हज़ार तीन सौ बारह करोड़ के आसपास इसी तरीके से अगर बात करें पिछले से पिछले क्वार्टर की यानी कि जून दो की पाँच हज़ार पाँच सौ दो करोड़ के आसपास निकल के आ रही थी तो टोटल इनकम भी पिछले तीन क्वार्टर से लगातार हम लोगों को बढ़ती हुई नजर आ रही है तो अब तक तो शानदार डेटा हम लोगों को कंपनी के अंदर दिखाई दे रहा है अब अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट के अंदर लगभग दो करोड़ के लेवल आपको दिखाई दिए इससे पहले देखें तो लगभग तीन करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा था वहाँ से देखें तो हम लोगों को गिरावट दिखाई दे रही है इससे पहले देखें तो लगभग एक करोड़ नेगेटिव में आपको देखने को मिल रहा है तो कहने का मतलब ये कि नेट प्रॉफिट के अंदर इस क्वार्टर में हम लोगों को गिरावट देखने को मिली थी दोस्तों ये तो हुई क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की अब अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के अंदर हम लोगों को किस तरीके के चेंजेस दिखाई दे रहे हैं क्योंकि दोस्तों सारी चीज़ ऑब्जर्व करने के बाद ही आपको कंपनी के अंदर निवेश के बारे में सोचना चाहिए देखिए मैं बात कर रहा हूँ 2016 हज़ार की तो 2016 में लगभग तैंतीस हज़ार करोड़ के आसपास आपको सेल्स दिखाई दे रही है उसके बाद छत्तीस हज़ार करोड़ का डेटा दिखाई दिया वापस से गिरावट देखने को मिली पैंतीस हज़ार करोड़ उसके बाद चालीस हज़ार करोड़ तिरालीस हज़ार करोड़ तो कहने का मतलब ये कि दो से अगर हाँ इक्का दुक्का साल छोड़ दिया जाए तो डिसअपॉइंटमेंट आपको देखने को मिल रही है बट ओवरऑल देखें तो पॉजिटिवनेस कंपनी के अंदर दिखाई दे रही है इसी तरीके से अगर देखें तो टोटल इनकम के अंदर हम लोगों को क्या बदलाव दिखाई दे रहे हैं देखिए टोटल इनकम लगभग 2016 की बात करते हैं तो 35000 करोड़ के आसपास हुआ करती थी उसके बाद 37000 करोड़ का डेटा हम लोगों को दिखाई दिया वापस से गिरावट देखने को मिली 36000 करोड़ के आसपास वापस से तेजी देखने को मिली चालीस करोड़ से ऊपर और अगर अभी इस साल की बात करें तो चवालीस हज़ार करोड़ से भी ऊपर ये हम लोगों को पहुँचती हुई नजर आ रही है तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम लोगों को पॉजिटिव संकेत दिखाई दे रहे हैं हाँ एक साल आपको जो है जरूर गिरावट देखने को मिली थी अब अगर देखें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर किस तरीके के बदलाव हम लोगों को दिखाई दे रहे तो नेट प्रॉफिट के अंदर हम लोगों को यहाँ पर भी डिसबैलेंस की स्थिति दिखाई दे रही है तो अगर इस साल की बात करते हैं तो सात सौ अठानवे करोड़ रुपए के आसपास निकल के आया जो कि पिछले साल लगभग दो सौ तेईस करोड़ के आसपास था तो कहने का मतलब है कि पिछले साल से सा तो काफ़ी जो है अच्छी खासी तेजी हमें कंपनी के अंदर दिखाई दे चुकी है उससे पहले देखें तो तीन करोड़ रुपये के आसपास निकल के आ रहा था उससे पहले आठ करोड़ के आसपास उससे पहले न करोड़ रुपये के आसपास आपको दिखाई दे रहा था तो यहाँ पर आपको जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वो अप एंड डाउन के दिखाई दे रहे हैं हाँ दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ देखिए अभी फिलहाल में क्या है कि कंपनी के अंदर हम लोगों को हलचल दिखाई दे रही है ऊपर के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं अच्छे खासे रिटर्न हमारे बनते हुए नजर आ रहे हैं तो हाँ इसके बैकएंड में क्या चीज़ चल रही है वो सारी चीज़ें भी आपको सही तरीके से ऑब्जर्व कर लेनी चाहिए देखिए मैं बात कर रहा हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो सबसे पहले बात करेंगे प्रमोटर्स के हिस्सेदारी की तो चौहत्तर के आसपास आपको दिखाई दे रही है जो कि दिसंबर दो से लगातार हम लोगों को उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिले बट हाँ इसके अंदर एक पॉजिटिव चीज़ हमें दिखाई दे रही है वो है प्लेज होल्डिंग की तो प्लेज होल्डिंग मैं बात करता हूँ सबसे ज़्यादा हम लोगों को दिखाई दे रही थी मार्च 2020 में उनचास परसेंट से भी ज्यादा की इसके अंदर बनी हुई थी उसके बाद लगातार जो है इसके अंदर हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है दिसंबर 2020 तक पहुंचते पहुंचते सोलह दशमलव छह परसेंट के आसपास ये इस समय हम लोगों को दिखाई दे रही है तो हो सकता है कि आगे आने वाले क्वार्टर में और भी गिरावट इसके अंदर देखने को मिले अब अगर बात करें एफ की यानी कि विदेशी निवेशकों का क्या रुझान इसके अंदर दिखाई दे रहा है तो लगातार जो है इसके अंदर हम लोगों को जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं दिसंबर 2019 में उन्नीस दशमलव परसेंट के आसपास थी उसके बाद जो है इसके अंदर हम लोगों को तेजी का माहौल दिखाई दिया है बीस दशमलव तीन सात परसेंट के आसपास वापस से कहें तो हम लोगों को जो एफ की होल्डिंग दिखाई दे रही है वो सेम सेम कह सकते हैं कि उसके अंदर हम लोगों को ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोस्तों इसी तरीके से अगर देखें तो डीआईएस की तरफ से किस तरीके के संकेत दिखाई दे रहे देखिए सारे संकेतों को आपको सही तरीके से एनालिसिस करना चाहिए तभी आप कंपनी के अंदर निवेश करें क्योंकि डी की तरफ से हम लोगों को जो रुझान दिखाई दे रहा है वो कभी बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं कभी खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं देखिए दिसंबर दो में लगभग ढाई के आसपास इनकी होल्डिंग हुआ करती थी अगर वहां से संकेत देखने की कोशिश करेंगे तो गिरावट दिखाई दे रही है लगभग सवा के आसपास इस समय होल्डिंग इनकी बनती हुई नजर आ रही है बट अगर पिछले क्वार्टर से देखें तो तेजी के संकेत हमें कंपनी के अंदर दिखाई दे रहे हैं इसी तरीके से देखें तो की तरफ से किस तरीके के संकेत दिखाई दे रहे हैं लगातार खरीदारी इनकी तरफ से हो रही है यहाँ पे देखिए दिसंबर 2019 से लगातार जो है अच्छे खासे रोजाना में कंपनी के अंदर दे देखने को मिले बट हाँ अगर देखें तो पिछले क्वार्टर से जरूर थोड़ा बहुत जो है डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला है लगभग तीन दशमलव छः परसेंट के आसपास होल्डिंग हुआ करती थी वहाँ से देखें तो अभी फिलहाल तीन दशमलव पाँच आठ परसेंट के आसपास होल्डिंग देखने को मिल रही है दोस्तों अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ऐसी ही कंपनियों के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहिए जो आपसे लॉन्ग टर्म में यानी कि डिलीवरी में किसी भी तरीके का कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लेती हूँ वैसे तो काफी सारी कंपनियाँ हैं बट आपको पता भी नहीं चलता होगा कि आपसे लॉन्ग टर्म में डिलीवरी चार्ज लिया जा रहा है कम से कम ऐसी कंपनियों के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन कराना है जो आपको किसी भी तरीके का जो है डिलीवरी में कोई भी चार्ज आपको कंपनी को नहीं देना पड़े तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अपस्टॉक्स की लॉन्ग टर्म डिलीवरी बिल्कुल फ्री है अगर इसके अंदर डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है वहाँ से जाकर आप सीधे अकाउंट ओपन करा सकते हैं दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर मिल करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग